नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केंचो, कैसे हो आप लोग, कैसे बा। तो आज है संडे और मेरा मन कर रहा था कि मैं आज वड़ा पाव खाऊं, और मैंने पाव मंगवा लिए। अभी मटर और प्याज आपने फर्स्ट में देखा होगा, वो फ्राई हो रही है, और उसके बाद मैं आलू डालती हूँ, फिर मसाला तैयार करती हूँ, फिर वो ठंडा होता है, फिर बेसन में रैप करती हूँ, और फिर वड़ा पाव खाएंगे हम लोग। मैंने कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहन के रखा है क्योंकि अभी कपड़े धुल रहे हैं, हमें बहुत सारा काम है। मैं आपको बताऊंगी क्या काम है, क्या करना है, पर उससे पहले हम लोग चल लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि मटर जल सकती है कभी भी। हाय, हेलो, कैसे हो? कुछ नहीं, बस हाथ धुला जा, हाथ सैनिटाइज किए जा। राजा, वो हैंड वॉश खत्म हो गया तुम्हारे हाथ धोने के कारण, सच में खत्म हो गया। पता है ये मटर जो है ये हो गई है फ्राई, अब मैं इसमें ना आलू फोड़ के डाल रही हूँ, और ये मटर के अंदर थोड़ा सा नमक है, हल्दी है और हल्की सी लाल मिर्च है। आप बना क्या रही है, ये बताओ मुझे, वड़ा पाव, ये वड़ा पाव में ये सब कैसे हो रहा है, मतलब भाजी बना दी हो क्या, पागल हो क्या, आलू कैसे डायरेक्ट डालते हैं, तुम और बात कर रहे हो, पाव के अंदर रहेगा वड़ा है ना, हाँ अच्छा। तो उसके अंदर भरने वाला मसाला, अच्छा अच्छा, कैसे भी डाल दो, वो आपने कटलेट बनाए थे, वो कहाँ है, कौन सा कटलेट बनाया मैंने, क्योंकि हम लोगों को हैबिट नहीं है ब्रेड खाने की, मैंने कभी जैसे खाई तो खाई, वरना पूरा पूरा पैकेट वेस्ट होता है, इसलिए लाते ही नहीं, क्योंकि वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, जब लग रहा हो कि कुछ बनाना है तो ब्रेड लेके आते हैं। एक्चुअली में खाना जो है ना, वो आपको बनाते रहना चाहिए अलग अलग, तो आपका मन भी लगा रहता है। मेरा कल रात से ही था कि मैं कल रात को बनाने थे, तो मुझे लगा नहीं यार आज दिन में बना लेंगे। तो मैंने इसमें धनिया और लाल मिर्च डाल दिए, और अब मैं इसमें डालूंगी नमक, अमचूर और गरम मसाला नहीं डालू, मुझे गरम मसाला नहीं पसंद है आलू में, नो गरम मसाला। मैंने इसमें हल्दी और नमक और लाल मिर्ची डाल दिए, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, हो गया है तेल भी गया। मस्का पाव सीखेगा नहीं,
चटनी तो क्या मतलब का वड़ा पाव? मुंबई का वड़ा पाव आ गया, मुंबई का वड़ा पाव, उसका पाव, एमपी का वड़ा पाव, नई डिश आई है। कैसे क्या खाएंगे बताइए आप? पहले तो आपने अपने कप अलग कर, आप डायरेक्ट भी खा सकते हो लाइक बोंडो टाइप, बोंडा टाइप भी खा सकते हैं आप, और आप लगा के भी खा सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट। तो पहले हम लगा के खाएंगे, अच्छा नहीं लगा तो फिर बोंडा खाएंगे। ओके। इसके लिए मिर्ची होनी चाहिए तली वाली। तुम पता है इतने कंजूस इंसान है, पता है मैं बोलती मिर्ची लेके आ जाओ तो मैं हमेशा 10 रुपए की मिर्ची खरीदती थी तो बहुत सारी आती थी। अभी मिर्ची और अदरक एक साथ करके बोलते थोड़ी सी मिर्ची डाल, अदरक नहीं मिर्ची और वो क्या धनिया, हाँ, और वो इतनी सी मिर्ची देता है। मेरे घर में 2 से 3 दिन से ज्यादा मिर्ची नहीं चलती। हाँ, तो एक बार में 10-20 के लिए आएंगे, आधा किलो ले आएंगे कहूँ तो। मिर्ची खराब तो नहीं होती ना? आधा किलो नहीं, 10 किलो आया करो, बहुत सारी आ जाती है। मिर्ची होनी भी तो चाहिए, 2-4 थी मैंने डाल दी। पता सच में इतने वो है, वो थी मिर्ची, बेसिक धनिया मत लाओ, 10 की मिर्ची तो ले आओ। फिर काय में धनिया डालवाते हो फालतू? ठीक है, धनिया भी काम आ जाता है, अलग से 5 का धनिया भी ले आओ। 5 का धनिया हाथ धोगे सर पे, 10 पर 10 की मिर्ची आनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए 10 की मिर्ची। मुझे ना मिर्ची खाने में बहुत पसंद है, मैं सारी सब्जियों में हरी मिर्च काट के डालती हूँ तो मिर्ची बचती ही नहीं। 50 की प्याज के साथ 50 की मिर्ची दे दे, हाँ फिर सड़ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आलू बोंडा खाने की, देखते हैं चैलेंज करें कौन जल्दी खाएगा, कौन पागल करेगा। टेस्टी है, कैसा है? इसी के साथ खाया जाएगा, इसी से अच्छा है। एक्चुअली मेरा डेली एक साथ खाना होता है, रोटी सब्जी। डोसा भी नहीं बन पा रहा है बहुत दिनों के, साउथ इंडियन नहीं बन पाया तो मेरे को लगा आज हम कुछ अलग खाएंगे। मुंबई की याद आ रही थी मुझे, पर मुंबई में एक वड़ा पाव मिला था हम लोगों को दादर वाला वड़ा पाव हमें कहीं नहीं मिला वैसा ना। इवन मेरा बर्थडे था और मैंने अपने बर्थडे का डिनर वड़ा पाव खा किया था, याद है? इतना पसंद आया था हम लोगों ने, लंच भी वड़ा पाव, डिनर भी वड़ा पाव, और चटनी स्पेशल जो चटनी थी ना वो लहसुन और उसकी चटनी बनती है वो चटनी, आय हाय याद ही आ गई। लगा दो, अच्छा लग रहा है ऐसे ही। चलिए पसंद आ गया पति देव को, मुझे बस ये लगता है राजा को पसंद आ जाए और किसी को आए ना आए, और कोई है भी ये तो लगाओ। अरे भूल गई, है भी है 2 रुपए पर आया है, ठीक है रख देंगे, वेस्ट नहीं होना चाहिए। अच्छा तुमने खा लिया? मेरा भी एक ही खत्म नहीं हुआ। इनको जब इनको ज्यादा कुछ पसंद आता है तो जल्दी जल्दी खाते हैं। गरम 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 हाथ से हैंडल किस लिए है? दो ही काफी है, 2-3 ज्यादा खा लिया मैंने तो उतना खपता भी नहीं है वो। ये हैवी है ना, मेरा एक ही नहीं खत्म हुआ अभी तक। ये गोलगप्पा चैलेंज था, वड़ा पाव चैलेंज, ये तीसरा है इनका, ये कर लेते ना पर वड़ा पाव चैलेंज नहीं है, मैं जल्दी नहीं खा पाऊंगा। तो आपको तो हमेशा आना रहता है ऐसे भी कोई भी खाने वाला चैलेंज, तो इसलिए मैं पहले हार मान ली ना, मैंने एक ही खाया है तुम्हारा तीसरा है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा, मैं सेटल करती देखिए ऐसे खाना हो जाओ सेटल। पैकेट एक और भी रखा है, खोलना है तो बता देना। बड़ा नौ पाएगा या आखिरी है? रात में खा लोगे? देखते हो। इवनिंग स्नैक्स हो गया संडे का, अब रात का देखते हैं जो भी खाएंगे। ये जो है ये तो मैं ही खा लूंगी, आपको पता है मैं घूमते घामते सुबह तक सब खत्म हो जाएगा क्योंकि मेरे को हर 2-3 दिन घंटे में ऐसी भूख लगती है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं है। कल भी लगाई थी रात को 12-1-2 बजे मैंने कल क्या खाया था, कल मैंने दाल और रोटी खाई और उसके बाद खाई है उसके आधे घंटे बाद मैंने बोला राजा मुझे बहुत भूख लग रही है, फिर मैंने बैम्बी ने बनाया मतलब वो जवे रहते ना जवे नमकीन जवे आलू प्याज वगैरह डाल के फिर वो खाए
उसके बाद मुझे भूख लग रही, फिर मेरे को लगा कि अब रहन देती हूँ मैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर मेरा ये खाने का मन था, मेरे को लगा रात ही बना लेते, फिर मेरे को लगा ओवर हो जाएगा। और रात के लिए तो लाए थे, ये रात ही के लिए लाए थे, पर फिर दाल और रोटी खा ली थी हम लोगों ने। हार गई, हार गई। तो वड़ा पाव चैलेंज में जीत चुका हूँ, मैंने 4 खाए हैं और इन्होंने 2 खाए हैं खाली। तो सारे फूड चैलेंज जितने भी होते हैं सब मैं जीतता हूँ, और ये वाला भी मैं जीत चुका हूँ। तुम्हारा पेट बड़ा है। सो व्हाट, मेरी गलती कि आपका पेट छोटा है, मेरा पेट भी बड़ा, मेरा मुंह बड़ा है। कुछ देखते हम लोग ना वीडियो आती है ना जो ASMR, उसमें लड़की इतनी बड़ी थाली लेके बैठती है, मैं जज नहीं कर रही किसी को, लड़का लड़की जो भी बैठते वो इतना खा जाते, इतना खा जाते, इतना खा जाते, उस टाइम देख के लगता है कि यार मोटे होते हो। मोटे भी नहीं होते, फटे होते एकदम है? तुम देखोगे तुम्हें, तुम भी नहीं खा पाओगे इतना खाते हो। एक वहाँ साइड के आते ना साउथ और के मछली, हाँ वो भी आते, बहुत कोलकाता हर जगह के आते, हर जगह इतना सारा खाते रहते, इतना सारा खाते हो, पूरा खा जाते हो। वो तो ठीक है, चाइना वाले जो आते हैं और हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, और आपको पता है इतनी जल्दी जल्दी हुआ है ना ये, और बहुत महंगा हुआ है, और इतना महंगा हुआ है, पर हम सड़ गए घर में पड़े पड़े, अब ना हो पाएगा। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके हुआ है, जो भी हुआ है जुगाड़ सिस्टम हुआ है पूरा, पैसा बहुत ज्यादा देना पड़ गया, इतनी जगहों पे कॉल किया है, फिर जुगाड़ कराया है, ठीक है, फिर जुगाड़ के बाद थोड़ा बहुत आपको देना भी पड़ता है जुगाड़ हो रहा है तो, क्योंकि हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ पे सेफ भी है यहाँ पर, नहीं यहाँ पे उसकी बुकिंग 2-3 महीने पहले हो जाती है, लेकिन हमने लगाया कुछ जुगाड़। पता क्या हुआ, हम लोगों का प्लान नहीं था, फिर राजा ने कहा यार बदन महल चलेंगे, तो मैंने बोला मैं किसी भी क्राउडेड पार्टी में नहीं जाऊंगी, वी कैन स्टे समवेयर कि हमारी कोई अच्छी सी जगह पे हो हम लोग और एंजॉय कर ले, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं क्योंकि मॉल वैसा नहीं चल रहा है, तो हमने एकदम सेफ सिक्योर प्लेस बुक करी, एकदम सेफ है वो, ठीक है कि बहुत क्राउडेड भी नहीं है। 31 तारीख की क्राउडेड पार्टी से ही बच जाएंगे, क्योंकि हम लोग 31 को कभी भी घर पे नहीं रहे, बस एक बार रहे थे जब तुम्हें जॉइंडिस हो गया था, और वहां पे 31 की पार्टी हम लोग अगर कहीं जहाँ पे भी बुकिंग करी है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिसॉर्ट्स हैं। तो हम एक दो दिन के अंदर आपको बताते हैं क्या है क्या नहीं, पर अभी हम पैकिंग वैकिंग का ही काम कर रहे थे इसलिए कपड़े धुल रहे हैं, इनकी जीन से प्रेस कराई डालनी है, मुझे कुछ बेडशीट और सब कुछ करना तो वही हो रहा है, अभी हम रात में थोड़ी पैकिंग करके रख लेना, 4 दिन के लिए जाएंगे हम लोग। अभी चाय बन रही है, इससे पहले मैंने नारियल पानी पिया था और उसके बाद मैंने एक एप्पल खाया था, मुझे चाय पीनी थी, मुझे कुछ चाय के साथ खाने का मन कर रहा था तो मैंने चाय चढ़ा दी है। आज हम लोग करेंगे पैकिंग, मतलब आज पूरी पैकिंग हो जानी चाहिए पर रात तक होगी वो पैकिंग, क्योंकि कुछ सामान है मैंने प्रेस कराने के लिए भी दिया है। तो पूरा प्लान है कि हम लोग 31 तारीख यहाँ तो नहीं मना रहे, ठीक है, हम लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, बहुत अनसेफ जगह पर ट्रैवल मत करिएगा, ये जो टाइम है ना ये टाइम बहुत डेंजरस है, निकालने आए हैं कुछ स्ट्रेस, क्योंकि 31 तारीख है, 31 तारीख को बेशक पार्टी हो ना हो पर आपको तैयार होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता वहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना है, पर एक मैं सोच रही थी गाउन लेके चली जाती हूँ कि इनके समय मन हुआ, एक मैं निकाल रही हूँ, ये थोड़ी विंटर में ही है कि आप इसे पहन सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये निकाल रही हूँ मैं, और एक गाउन सोच रही हूँ, तो यहाँ पे ना ये ब्लैक वाला गाउन है, ये वाला गाउन है फेस्टिव, बहुत प्यारा सा गाउन है, ये गाउन सच में बहुत प्रिटी है। इसे पहने में बहुत सारा टाइम हो गया मुझे, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कुछ बेसिक ब्लैक में पहनना हो वो ही पहन सकती हूँ मैं, ये भी सही है, कौन सा पहनूं यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो ये कंफ्यूजन हम वो करेंगे राजा से पूछ के
कि कौन सा लेके जाना चाहिए इनमें से। मुझे भी अब ये वाला जो गाउन है ना ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये वाला जो है ना ये मैंने सिर्फ एक बार पहना है। ये एक बॉडी हगिंग ड्रेस है। पता है मेरी स्वेलिंग कम है, आपको थोड़ा अंतर दिख रहा होगा। मेरे को बहुत स्वेलिंग भी थी वेट पुट ऑन करने के साथ साथ, वो स्वेलिंग चली गई है। तो मैं काफी ज्यादा मतलब दो दिन हो गए मुझे वो स्वेलिंग कम हो। मुझे कल ही से दिख गया था कि स्वेलिंग कम हो रही है। तो अभी आपको दिख रहा होगा मैं काफी ज्यादा लाइक इतने दिनों से जो दिख रहा था, जो सबको दिख रहा था वो अब नहीं दिख रहा है। और तो क्या है स्वेलिंग भी थी मुझे, तो स्वेलिंग भी चली गई। तो ये देखिए ये जो है ना ये वाली ड्रेस है ये मैं लेके जा रही हूँ। मैं इसके साथ टमी टकर पहनती थी। मैं अपनी मैक्सिमम ड्रेसेस के साथ जो बॉडीकॉन होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं नहीं पहनती क्योंकि काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर मैक्सिमम मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं एक टमी टकर जो है वो पहन लूँ। तो ये टमी टकर मेरे पास रखा हुआ है। इससे क्या होता है, आप जैसे ऊपर करते तो आपका पेट जो है वो काफी फ्लैट हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग है उसके लिए भी सही है। तो ये टमी टकर मैं रख सकती हूँ, देखती हूँ कंफर्टेबल होंगी तो पहनूंगी। जितनी भी ड्रेसेस है उनके नीचे थोड़ा सा आपकी शेप जो है वो अच्छी कर देता है। तो सबके पास एक टमी टकर होना ही चाहिए। आप लड़की हो होना चाहिए, लड़कों के पास भी होना चाहिए। या कभी कभी ब्लोटिंग हो जाती है, कई बार आप ज्यादा खा लेते हो, आपको पार्टी में जाना है तो एकदम से आपका जो पेट है ना वो ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ कि गिरा हुआ पेट, तो ये पेट थोड़ा उठा हुआ दिखेगा। तो वो एक अच्छी चीज है। उसके बाद ना ये वाला एक गाउन है, ये वाला भी गाउन है। ये भी मैं सोच रही हूँ इसे भी यूज कर सकती हूँ मैं, क्योंकि इतनी कोई हैवी पार्टी होनी नहीं है या कुछ होना है या नहीं होना है तो एटलीस्ट ऐसा रहे कि ओवर ना लगे। तो ये वाली जो ड्रेस है ये मुझे मेरी एनिवर्सरी के लिए राजा ने दिल्ली से दिलाई थी। ये एक स्टोर था यार, कोई मेरा ब्लॉग देखता उसे याद होगा, आई थिंक कैनॉट प्लेस पे था या लाजपत नगर में था, कहीं था मुझे याद नहीं बिल्कुल भी। तो वहां से लेके आए थे, काफी फेमस स्टोर है वो, तो वहां से ये ड्रेस लेके आए थे। बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो ये वाली ड्रेस मैं सोच रही हूँ कि ले जाती हूँ। ये मैंने दो तीन बार पहनी है क्योंकि गाउन मुझे पसंद बहुत है। तो ये वाला गाउन, वरना मेरे पास एक बेसिक प्लेन गाउन भी है। बहुत सारे गाउन मेरे पास बहुत सारे, मैं इवनिंग गाउन काफी ज्यादा लेती रहती हूँ। तो ये एक है, ये मैंने राजा के दोस्त की शादी थी उसमें ये वाला गाउन लिया था। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी ले सकती हूँ क्योंकि अगर इन केस में फिर से ब्लोटेड लगी तो ब्लैक सही रहेगा। तो मैं वैसे सोच रही हूँ ये और ऊपर से ब्लैक कलर का मेरे पास ना ढकने के लिए मिल भी जाएगा कि ठंड है, क्योंकि इसके लिए कुछ मिलेगा नहीं, विच इज क्वाइट रिस्की। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ, मैं पूछ लूंगी मैं राजा से। एक तो ये है तो इसे अभी मैं टांग देती हूँ। क्या एक ब्लैक वाला पता नहीं कहाँ रखा हुआ है मैंने, वो मेरे को भी दिख नहीं रहा है। वरना फिर एक ये है, ये तो मैंने मल्टीपल टाइम पहना है। ये जो गाउन है ना ये मेरा फेवरेट है, लाइक ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गाउन है। और ये मैंने यहीं से लिया था, यहाँ पे एक स्टोर है आई भी वहां से लिया था। ये तो आप जितनी बार पहन लो ना उतनी बार का मेरा गाउन बहुत प्यारा लगता है। मतलब पहनने के बाद ना गाउन बहुत प्यारा लगता है। इस पर एक रेड लिपस्टिक लगा लो, आई मेकअप न्यूड भी रख रहे हो ना, बहुत प्यारा लगता है गाउन, बहुत ही प्रिटी है। पर ये गाउन मैंने इतनी बार पहन लिया है कि मैं इसे दोबारा भी नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैंने ये लास्ट राजा के बर्थडे पे पहना था। अगर आप ब्लॉग देखेंगे राजा के बर्थडे का तो उसे मैंने ये पहना है, तो इसे मैं भी नहीं पहनूंगी। अभी ये ब्लैक वाला ही निकाला है, ये निकाला है, हाय मैंने वो कहाँ रख दिया, गाउन से गाउन नीचे गिर गया। और ये गाउन निकाला है तो, और ये जो है ये राजा की जैकेट्स है जो ड्राई क्लीन होके आ गई है। मैं वही बोल रही हूँ मैं सामान लगाना है, पर उससे पहले ना कुछ थोड़ा बहुत सामान है जो भी आना है, जो शाम तक या रात तक आ जाएगा। तो ये पूरा सामान मैं एक बार में करके रख दूंगी क्योंकि ठंड बहुत होने वाली है। तो मैं नहीं चाह रही कि मैं एकदम एंड टाइम पे पगलाऊं। तो डेट जो है वो मैं आपको भी कन्फर्म नहीं बताऊंगी क्योंकि ब्लॉग में थोड़ा सा अनसेफ हो जाता है डेट्स वगैरह बताना। कपड़ों का ढेर, ये मैंने कल धोए हैं। ये है राजा का
ठंड वाला, जी भी निकल गई, ये राजा का ठंड वाला लोअर, इसे मैंने धो दिया कि यार एकदम एंड टाइम पे चीजें ना हम मांगे मुझसे। तो ये हो गया राजा का लोअर, ये मेरा गरम लोअर है, इसे मैंने वॉश कर दिया, इसमें सिंदूर लग गया था, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी चीजें थी। और कई बार ऐसा रहता है अब ये चीजें भूल जाते हो, बड़ी दिक्कत में फंस जाते हो, फिर ये नॉर्मल कपड़े हैं। थोड़े थोड़े फोल्ड कर दिए, अभी बड़ी सी चादर है इसे फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और ये है चाय, जैसे कि आप लोग जानते ही हो हम लोग के पास बहुत सारे लोग है नहीं, हम लोग, मैं, राजा, और ज्यादा ज्यादा मैं पावर को बुला लेती हूँ, तो हम तीन लोग ही बना लेते हैं, वरना फिर मैं और राजा ही इतने टाइम से बना रहे थे, पावर तो अब आने लगी है, तो इतने टाइम से हम दोनों अकेले बना रहे थे। पर हम लोग दोनों अकेले पे बहुत खुशी से बनाते हैं, मेरे को नहीं पता कि अगर मैं दो चार लोग और लोगों के साथ कोई भी कुछ कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करूंगी तो वो फेस्टिवल वैसा रहेगा ही नहीं रहेगा। मेरी लाइफ की फेवरेट पर्सन है राजा। अब पता है आपको एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ है जो आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी, तो मैंने डाला भी था मिलने वाली है गुड न्यूज़, तो मिलने वाली है गुड न्यूज़ का मतलब इन फ्यूचर मे बी इन 10-15 दिनों में आप लोगों को अच्छी कोई खबर मिल जाए, मे बी कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं कुछ कराने वाली हूँ जो सक्सेसफुल होने वाली है। इस जर्नी में जो कि नवंबर से दिसंबर हो गया, एंडिंग पे आ गया, इसमें मुझे राजा के अलावा मेरी मम्मी का फोन आता था, मुझे किसी ने मतलब एक मॉरल सपोर्ट तक नहीं दिया है, मुझे पता है मुझे कोई मॉरल सपोर्ट आप लोगों ने बहुत दिया है मुझे, बहुत इंस्टाग्राम पे, कॉमेंट सेक्शन पे, हर जगह पे, पर इन माई रियल लाइफ मेरी मम्मी मुझे पूछती है। कल मैं बहुत रो रही थी राजा को बता के, ठीक है, मेरी मम्मी मुझे पूछती है, राजा जो है सुबह से ऑफिस चले जाते हैं पर फिर भी जितना कर सकते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो चीज़ें लाना हो, चाहे वो मेरी दवाइयाँ हो, चाहे वो मेरा कुछ भी हो, राजा बस एक राजा है जो मुझे 1-to-1 देखते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है, आपको लगता है बुरा और शायद आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा कि मुझे क्यों लगता था बुरा, तो सब कुछ क्लियर होगा। पर पता है बहुत अजीब सा लगता है, आपकी लाइफ में लोग हैं पर आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, और आपको मेंटली कोई सपोर्ट करने के लिए ऐसे लोग नहीं हैं आपके पास, मतलब लोग हैं पर वैसे लोग नहीं हैं जो आपकी शायद वो चीज़ों को समझें या आपको जितने प्यार की ज़रूरत है उतना प्यार दे। तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि हाँ राजा ही है यार, सब राजा है। मेरी मम्मी से जितना हो पाता है वो बाहर से बात करती रहती है, बताती रहती है कुछ कुछ जो भी है, ऐसे बहुत जल्द बता रही हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट डेट आई थिंक सेफ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।